नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं गवर्नमेंट ITI भिवानी में टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, यदि आप ITI में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तो टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प होने वाली है। दोस्तों, यह ट्रेड 2 साल की होती है और इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपका 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ साथ गणित एवं विज्ञान विषयों में भी पास होना अनिवार्य है। यह ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में आती है और इस ट्रेड में ट्रेनिंग लेने उपरांत आप विभिन्न प्रकार के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को तो रिपेयर कर ही सकते हैं व इसके साथ साथ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां जैसे कि सेल एवं बैटरीज, विभिन्न प्रकार के LED पैनल्स, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर को असेंबल करना एवं उनमें इंटरनेट की स्थापना करना, UPS एवं इन्वर्टर्स, फाइबर ऑप्टिक्स जिनका इस्तेमाल मोबाइल कम्युनिकेशन में होता है, सेंसर्स, विभिन्न तरह की मोटर्स और PLC इत्यादि के बारे में भी आप डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, प्लेसमेंट की यदि बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की कंपनीज जैसे कि सैमसंग, सोनी, LG एवं विभिन्न मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ जैसे कि रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स इत्यादि और मोबाइल नेटवर्क की कंपनियां जैसे कि रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया एवं एयरटेल में भी टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड से पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों, यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इंडियन रेलवेज, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DRDO, DFCCIL, BHEL एवं इस तरह के अन्य बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो कैंडिडेट ITI पास करने उपरांत गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप ITI करने उपरांत 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। दोस्तों, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड से ITI करने उपरांत आप स्वयं का रोजगार भी चालू कर सकते हैं, यानी आप विभिन्न प्रकार के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को रिपेयरिंग करने की शॉप तो चालू कर ही सकते हैं और इसके साथ साथ आप विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां जैसे कि सेल एवं बैटरीज, कंप्यूटर को असेंबल करना, UPS व इन्वर्टर रिपेयरिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन इत्यादि का कार्य भी कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। दोस्तों, ITI करने उपरांत आप हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। यदि आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहें तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो कि 3 वर्ष का होता है और ITI करने उपरांत आपको 1 साल की छूट मिल जाती है और आपका डायरेक्ट दूसरे साल में दाखिला हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आप CITS यानी क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कोर्स भी ITI करने उपरांत कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हरियाणा सरकार द्वारा 10वीं करने उपरांत 2 साल की ITI करने से आपको 12th के समकक्ष कर दिया गया है। बस आपको एक हिंदी विषय का पेपर देना होगा, उसके पश्चात आप एजुकेशनल लाइन में भी आगे जा सकते हैं और ग्रेजुएशन में भी अपना दाखिला ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड में दाखिला लेने संबंधी क्वेरीज दूर हुई होंगी और अब आप टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड को आपकी ट्रेड वरीयता की सूची में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद।